हेलो गाइस, डिजिटल ध्रुव यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त महानंद ध्रुव यूट्यूबर। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो पर आप लोगों को बताऊंगा कि रेडमी नोट 9 में फिंगरप्रिंट से फोटो कैसे खींच सकते हैं, फिंगरप्रिंट की ऑप्शन को अपने मोबाइल फोन पर कैसे ला सकते हैं। साथ ही बताऊंगा कि रेडमी नोट 9 में फोटो खींचते समय फोटो पर एक वाटर मार्क आ जाता है, उस वाटर मार्क को कैसे हटाना है या फिर उस वाटर मार्क की जगह अपना नाम को कैसे लिख सकते हैं, इस वीडियो पर आप लोगों को बताऊंगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहना। यदि रेडमी से रिलेटेड जानकारी पाना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगेगा तो वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर करना। तो चलो फ्रेंड्स, आज कुछ नया सीखते हैं। सो फ्रेंड्स, यहां पर Redmi Note 9 की होम स्क्रीन ओपन हो चुका है। यहां पर आपको क्या करना है, Redmi Note 9 की कैमरा को ओपन कर लेना है। यहाँ पर Redmi Note 9 की कैमरा ओपन हो चुका है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर 3 डॉट की आइकन को एक बार टैप करना। टैप करते ही यार यहाँ पर इस प्रकार का एक पॉपअप पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पर सेटिंग की ऑप्शन को एक बार टैप करना। टैप करते ही यार यहाँ पर इस प्रकार का एक न्यू इंटरफेस ओपन हो जाता है। इसके बाद आपको यहाँ पर आपको क्या करना है यार, यदि कैमरे की वाटर मार्क को हटाना चाहते हो या फिर नाम को चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पर वाटर मार्क पर एक बार टैप करना। टाइप करते ही यार यहाँ पर इस प्रकार का एक न्यू इंटरफेस ओपन हो जाता है। यहाँ पर 3 ऑप्शन देखने को मिलता है। यदि कैमरे की वाटर मार्क को हटाना चाहते हो तो यहाँ पर डिवाइस वाटर मार्क की ऑप्शन को ऑफ कर देना। यदि कैमरे की वाटर मार्क की जगह अपना नाम को लिखना चाहते हो तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, डिवाइस वाटर मार्क की ऑप्शन को ऑन कर देना और इसके बाद कस्टम वाटर मार्क पर एक बार टैप करना। टैप करते ही यार यहाँ पर इस प्रकार का एक न्यू पॉपअप पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो यार यहाँ पर कुछ भी रेडमी फोन से रिलेटेड कुछ नाम लिखाया रहेगा उसे डिलीट कर लेना और अपने नाम को यहाँ पर लिख लेना। नाम को लिख लेने के बाद यहाँ पर सेव पर एक बार टैप कर देना। सेव पर टैप करते ही यार हमारे मोबाइल फोन की कैमरा की वाटर मार्क का नाम चेंज हो चुका है। अब चलते हैं यार रेडमी नोट 9 से फिंगरप्रिंट से फोटो खींच सकते हैं या फिर नहीं, इसका ऑप्शन है या फिर नहीं, इसका ऑप्शन को कैसे ला सकते हैं रेडमी नोट 9 में। तो चलो फ्रेंड्स, कैमरा की सेटिंग्स को ओपन कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, कैमरा की सेटिंग्स ओपन हो चुका है यार। यहाँ पर स्वाइप अप करके देखते हैं कि कैमरा की फिंगरप्रिंट शटर की ऑप्शन है या फिर नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यार किसी प्रकार की शटर फिंगरप्रिंट की ऑप्शन देखने को नहीं मिलता। इसकी ऑप्शन को अपने मोबाइल फोन पर कैसे ला सकते हैं, इसके लिए आपको क्या करना होगा यार, रेडमी नोट 9 के होम स्क्रीन को ओपन कर लेना और यहाँ पर सर्विस फीडबैक पर एक बार टैप करना। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर इस प्रकार का एक न्यू इंटरफेस ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपको क्या करना है यार, रेडमी नोट 9 में कैमरा फिंगरप्रिंट शटर की ऑप्शन पाने के लिए रेडमी कस्टमर सर्विस को ईमेल करना है यार। यहाँ पर इस तरह का ईमेल लिख लेने के बाद यहाँ पर आपको इशू पर एक बार टैप करना। टैप करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको क्या करना है, फिर से प्लस की आइकन को एक बार टैप करना। टैप करते यार यहाँ पर इस प्रकार का न्यू इंटरफेस ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपको क्या करना, एल्बम्स पर एक बार टैप करना और यहाँ से किसी भी एक फोटो को सेलेक्ट कर ले। फोटो को सिलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, यहाँ पर सिलेक्ट आइटम पर एक बार टैप करना। यहाँ पर आपको क्या करना है यार, कैमरा से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो यहाँ पर कैमरा पर एक बार टैप करना। इसके बाद आपको क्या करना है यार, यहाँ पर टाइम को सिलेक्ट कर लेना और टाइम को सिलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर या फिर ईमेल नंबर को लिख लेना। ईमेल नंबर या फिर मोबाइल नंबर को लिख लेने के बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, सिंपली से सेंड पर एक बार टैप करना है। सेंड पर टैप करते यार हमारा ईमेल कस्टमर केयर के पास सेंडिंग होने लगा है। यदि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ईमेल करते हैं तो यार रेडमी नोट 9 में बहुत ही जल्दी कैमरा फिंगरप्रिंट सेंटर की ऑप्शन आ जाएगा। तो फ्रेंड्स ये वीडियो कैसा लगा यार हमें कमेंट पर जरूर बताना। अभी के लिए बस इतना ही यार। जय हिंद, वंदे मातरम।